वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। जाखिर केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जिसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बोलते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड, हाउ डज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरी और चेंज और अल्टर इन पीरियड्स एंड ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच गवर्न और अफेक्ट और प्रेडिक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ डज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी इन पीरियड्स एंड ग्रुप, विच एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, आंसर है सीजियम, विच एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट आयोनाइजेशन और हाइएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हीलियम, विच एलिमेंट हैज द हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लोरीन, विच एलिमेंट हैज द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन, विच एलिमेंट हैज द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ओस्मियम, प्लस एट होती है OSO4, ओस्मियम टेट्रोक्साइड में बेटा। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिसिटी क्या होती है, एनोमलस बिहेवियर क्या होता है एंड डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आएगी बेटा पीरियोडिसिटी की बेटा, द प्रोसेस ऑफ रिपीटेशन रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम when elements are arranged or placed or kept in increasing order of their atomic number is called periodicity। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिपीट बार बार रिपीट होता है, क्या एक जैसी प्रॉपर्टी एलिमेंट की एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जब एलिमेंट्स को हम रखते हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो ये पीरियोडिसिटी कहलाती है बेटा। फिर बात आती है बेटा इसका कोज क्या है बेटा, कोज ऑफ पीरियोडिसिटी बेटा, कोज तो दिस इज डू टू रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन of elements after a regular interval of time when elements are arranged in increasing order of their atomic number। तो इसका कारण है बेटा कि regular एक interval के बाद जब उन element को हम atomic number के increasing order of atomic number के हिसाब से लिखते हैं तो उनका एक जैसा electronic configuration भी बार बार repeat होता है। जैसे ग्रुप वन की बात करें बेटा तो आखिरी सेल में ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ग्रुप टू में टू आएगा, फिर 13, 14 ऐसे बेटा। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा पीरियोडिसिटी क्या होती है, उसका कारण क्या है बेटा।
तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा एनोमलस बिहेवियर। देखो बेटे एनोमलस बिहेवियर को ही एक्सेप्शनल बिहेवियर बोलते हैं बेटा, एक्सेप्शनल बेटा बिहेवियर, इसी को बोलते हैं बेटा अनकॉमन बिहेवियर, अनकॉमन बिहेवियर, इसी को बोलते हैं बेटा अनयूजुअल बिहेवियर, अनयूजुअल बिहेवियर, इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर, इसी को बोलते हैं रेयर बिहेवियर, रेयर, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल बिहेवियर, डिफरेंशियल बिहेवियर, इसी को बोलते हैं डिस्टिंक्ट बिहेवियर, डिस्टिंक्ट बिहेवियर, इसी को बोलते हैं एनोमलस बेटा एबनॉर्मल, एबनॉर्मल बिहेवियर, इसी को बोलते हैं एटिपिकल बिहेवियर, एटिपिकल बिहेवियर। तो कोई फर्क नहीं बेटे, अपनी बुक में एनोमलस है, बाकी ये आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो एनोमलस बिहेवियर क्या होता है बेटा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप शोज या हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अदर हैवियर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप, दिस इज नोन एज एनोमलस बिहेवियर। एक ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी बाकी एलिमेंट से अलग होती हैं, दिस इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल इन ग्रुप वन लिथियम शोज एनोमलस बिहेवियर, इन ग्रुप टू बेरिलियम शोज एनोमलस बिहेवियर, इन ग्रुप 13 बोरोन शोज एनोमलस बिहेवियर, ग्रुप 14 कार्बन शोज एनोमलस बिहेवियर, इन ग्रुप 15 नाइट्रोजन शोज एनोमलस बिहेवियर, इन ग्रुप 16 ऑक्सीजन शोज एनोमलस बिहेवियर, इन ग्रुप 17 फ्लोरीन शोज एनोमलस बिहेवियर। तो पहला जो एलिमेंट, जैसे बेटे सुबह असेंबली होती है तो सबसे आगे वो बच्चा खड़ा होता है हर सेक्शन के आगे जो सबसे छोटा होता है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा होता है। ऐसे ही बेटे सबसे पहले वो एलिमेंट होता है जिसका साइज सबसे छोटा हो ग्रुप में। तो इसका कारण बेटे, कॉजेज ऑफ या रीजन ऑफ एनोमलस बिहेवियर बेटा, एनोमलस बिहेवियर के कारण क्या है बेटा, तो पहला कारण है बेटा एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली स्मॉलर एटॉमिक, पहले एलिमेंट की बात कर रहे हैं बेटे, स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक साइज, स्मॉल लिखते बेटे छोटा होता है बेटे, आयनिक साइज, जो पहले एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक एंड आयनिक साइज एक्सेप्शनली छोटा होता है बेटा, जैसे ग्रुप वन में लिथियम बेटा। सेकेंड बेटा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है बेटा, दूसरा कारण। तीसरा बेटे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। और फोर्थ जो कारण है बेटा एब्सेंस या नॉन अवेलेबिलिटी, एब्सेंस लिखो या नॉन अवेलेबिलिटी लिखो बेटे, एक का बात है बेटा, दोनों में कोई फर्क नहीं बेटा। एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते बेटे पहली एलिमेंट के पास। तो कभी आ जाए बेटे मेन रीजन क्या है बेटा, तो मेन रीजन तो है बेटा दिस एंड दिस बेटा, फर्स्ट एंड फोर्थ आर मेन कोजीज। हाँ मेन रीजन आ जाए मतलब क्वेश्चन बेटा, तो ये पहला और चौथा लिखना है बेटा, और वैसे कोई भी दो आ जाए या तीन आए तो सारे लिखने हैं बेटा। ये
द एस ब्लॉक एलिमेंट में टेंथ यूनिट और यूनिट इलेवेंथ द पी ब्लॉक एलिमेंट, इनको डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। जैसे भाई गिव सम एग्जांपल टू शो द एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, तो वहाँ बताएंगे बेटा लिथियम हार्डर है बाकी एलिमेंट से, लिथियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बाकी एलिमेंट से ज़्यादा होता है, लिथियम का फ्लोराइड है वो वाटर में इनसोलुबल है, बाकी जो फ्लोराइड है वो वाटर में सोलुबल होते हैं, लिथियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है ग्रुप वन में जो नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है और कोई नहीं करता, लिथियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है ग्रुप वन में जो कार्बन से रिएक्शन करता है और कोई नहीं करते बेटा, इस टाइप से। लिथियम नाइट्रेट को हम डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, बाकी से भी कोरस्पॉन्डिंग नाइट्राइट्स बनाते हैं। बहुत डिटेल में बेटे 10-10, 15-15 प्रॉपर्टी हम ऐसे लिथियम की पढ़ेंगे, बेरिलियम की, बोरोन की, कार्बन की, और 12th क्लास में फिर नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की बेटा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। फिर हम बात करते हैं बेटे डायगनल रिलेशनशिप बेटा, ध्यान से देखना बेटे आप, डायगनल रिलेशनशिप, डायगनल रिलेशनशिप बेटा। देखो बेटा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप, ये लिथियम है, ये सोडियम है बेटा, इधर ये बेरिलियम है, ये क्या है बेटा मैग्नीशियम है, तो ये है डायगोनल रिलेशनशिप। ऐसे ही बोरोन एल्युमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप, कार्बन सिलिकन, यही है बेटा बस। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या है बेटा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप शोज सिमिलर प्रॉपर्टी टू द सेकेंड एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट ग्रुप एंड नेक्स्ट पीरियड, दिस इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। एक ग्रुप के पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगले ग्रुप और अगले पीरियड के सेकेंड एलिमेंट से लगभग सेम है, सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम है, इसको हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से देखें, जैसे हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, और जैसे ही हम टॉप द बॉटम आएंगे ग्रुप में बेटे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, तो जितनी यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुई उतनी बेटे यहाँ से यहाँ डिक्रीज हुई, तो इन दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी लगभग सेम है, साइज इधर डिक्रीज होता है ग्रुप में इंक्रीज होता है, तो इन दोनों का लगभग सेम है बेटा ऐसे। तो रीजन बेटा, तो कौन कौन दिखाते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, नंबर वन लिथियम एंड मैग्नीशियम, नंबर टू बेरिलियम एंड एल्युमिनियम, एंड नंबर थ्री बोरोन एंड सिलिकन, और कोई भी डायगोनल रिलेशनशिप नहीं दिखाता। रीजन बेटा, दिस इज ड्यू टू बोथ एलिमेंट्स, जैसे आपको समझाने के लिए से लिथियम एंड मैग्नीशियम ले लो बेटा, हैव नंबर वन बेटा नियरली सेम एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज लगभग सेम होता है, नियरली या वर्चुअली, वर्चुअली का मतलब भी नियरली होता है, नियरली सेम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगभग एक जैसी होती है बेटा। नंबर थ्री ऑलमोस्ट कहो, नियरली लिखो या वर्चुअली लिखो, ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है। फोर्थ है बेटा ऑलमोस्ट या नियरली सेम डेंसिटीज, दोनों की डेंसिटीज भी लगभग सेम होती हैं बेटा। तो ये रीजन है बेटा कि लिथियम मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप क्यों दिखाते हैं, उसका भी यही कारण है, बेरिलियम एल्युमिनियम यही रीजन है, बोरोन सिलिकन यही रीजन है बेटा। तो दिस इज बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीरियोडिसिटी क्या होती है, उसका कारण क्या है, एनोमलस बिहेवियर क्या होता है, उसके कारण क्या हैं, मीन कारण क्या है, ये भी बता दिए बेटा, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, उसका मीन कारण क्या है, और इसको डिटेल में आगे हम 10th एंड 11th यूनिट में पढ़ेंगे बेटा।
तो ध्यान से हम देखें बेटा, यदि हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो ग्रुप में एटॉमिक साइज जनरली इंक्रीज होता है, पीरियड में एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में जनरली डिक्रीज होती है, पीरियड में जनरली इंक्रीज होती है क्योंकि एक्सेप्शन होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप में जनरली डिक्रीज होती है, पीरियड में जनरली इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में जनरली डिक्रीज होती है, पीरियड्स में जनरली इंक्रीज होती है बेटा। वैलेंसी की बात करते हैं तो ग्रुप में सेम रहती है, पीरियड में पहले इंक्रीज होगी उसके बाद डिक्रीज हो जाएगी और लास्ट में हो जाती है बेटा जीरो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, उम्मीद है आप बच्चों को समझ में आया होगा। बार बार आपको कहा जाता है बेटे, जितना आप लिख के देखेंगे बेटे, जितना आप ज़्यादा मनन करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा बेटा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।